अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करेंगे इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज के बारे में, ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बेटे मोहम्मद सिराज की आम से ख़ास बनने की कहानी। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच के बाद मियां आज कौन सी बिरयानी खाई थी। सबसे पहले मोहम्मद सिराज की लाइफ के बारे में बात करेंगे। 1994 में इंडिया के मरूफ शहर हैदराबाद में पैदा हुए मोहम्मद सिराज 2017 में IPL की नीलामी से कबल इन्हें बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन हैदराबाद की टीम सनराइजर्स ने इनकी 2.5 करोड़ की बोली लगाकर इन्हें रातों रात क्रिकेट की दुनिया में मुतारक करवा दिया। इससे कबल 2015 में वो हैदराबाद की रणजी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे थे। पहले ही सीजन में इन्होंने अपनी उमदा बॉलिंग से सबकी तवज्जो अपनी जानब मरकज की। इनका बेस प्राइस तो 20 लाख ही था, लेकिन इन्हें लेने के लिए दो टीमें हैदराबाद और बेंगलोर में इस कदर मुकाबला रहा कि इन्होंने अपनी कीमत से 13 गुना ज़्यादा कीमत ली। इस वक्त जनूबी हिंद की रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद सिराज के वालिद हैदराबाद में ऑटो रिक्शा चलाते थे और इनकी वालदा इसे इस साल फिर पहले तक दूसरे घरों में काम किया करती थी, यानी ये बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की। जैसा कि आपको पता है, एशिया कप इंडिया ने जीता है। इतवार को कोलंबो में होने वाले एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त देकर इंडिया 8वीं बार चैंपियंस बना है, जिसमें इंडियन बॉलर मोहम्मद सिराज की ऐसी नुमाया कारकर्दगी रही कि लोग इस मैच को श्रीलंका बमुकाबला इंडिया के बजाय श्रीलंका बमुकाबला मोहम्मद सिराज कह रहे हैं। मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में 4 विकेट लेकर इंडिया की जानिब से एक रिकॉर्ड कायम किया और वनडे इंटरनेशनल में एक ही ओवर में 4 विकेट लेने वाले बॉलर भी बन गए। इनके स्पेल की तारीफ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने इसे वनडे इंटरनेशनल की तारीख का नई गेंद से बेहतरीन स्पेल करार दिया है। तो वहीं क्रिकेटर सना मीर ने लिखा है कि 2.4 ओवर्स में 5 विकेटें, मोहम्मद सिराज ये क्या स्पेल था, आज कौन सी बिरयानी खाई थी। जिस तरह पाकिस्तान ने श्रीलंका के हाथों शिकस्त खाई, उसके बाद फैंस का एशिया कप के ध्यान काफ़ी हट गया था, लेकिन मोहम्मद सिराज के स्पेल ने एक मरतबा फिर एशिया कप में दिलचस्पी का सामान पैदा कर दिया। लेकिन भाई, बहरहाल पाकिस्तान की पेतर पे इंडिया और श्रीलंका के हाथों शिकस्त के बावजूद भी पाकिस्तानी टीम वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर है। अभी एक हफ्ते कबल पाकिस्तान 118 पॉइंट्स के साथ सरफरिस्त था, जबकि दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। अब पाकिस्तान के 115 पॉइंट्स हैं, जबकि इंडिया के भी 115 पॉइंट हो गए हैं और ऑस्ट्रेलिया 113 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ चुका है। तो अब बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। दोस्तों, ये वही मोहम्मद सिराज हैं जिनके वालिद ऑटो रिक्शा चलाते थे और इनकी वालदा काम करती थी, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत के बावजूद इस मुकाम को हासिल किया है। तो अगर आप मेहनती हैं और सब्र रखते हैं तो आप अपनी मेहनत से एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।